YTF President, MDC, Bhojang Nagar, Waki Nagar, Ruhi Dev Verma, Sanjit Dev Verma, Budhi Rai Dev Verma, Vidya Dev Verma. आज टाइम कम है जोरा करोई अंग्रेजी कक्षालिया यहां में जैसे कि जगदीश बाबू ने बोला है मैं छामानू में था छामानू से तब डायरेक्ट यहां आया हूं सब लोग बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं मैं सिर्फ दो चीज बोलने आया हूं सबसे पहले है कि मैंने एक कमिटमेंट दिया था कि यहां में हम सेंग देगा आप लोगों को हमने कमिटमेंट दिया था और ये सेंग मेरे पास पिछले एक साल से है तो आज अच्छा दिन है सेनापति कांदराम का बक्शों को सम्मान देने के लिए देखिए ये पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं है ये एक परिवार का गोष्ठी का एक बक्शों का सम्मान का लिए पुबाकरा आया है लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ में बहुत यूथ है हम लोग का बुरुई है बुमा लोग भी है आप लोग एक बात सोचो हम लोग इतना छोटा सा राज्य था त्रिपुरा इतना छोटा सा राज्य था लेकिन मुगल लोग ने हम लोग को कभी नहीं हराया अकबर औरंगजेब कभी नहीं हरा सका सामने था कोमिला तक आ गया था लेकिन त्रिपुरा हमेशा स्वाधीन त्रिपुरा रहा अंग्रेज आया अंग्रेज भी पूरा दुनिया में राज शासन कर रहा था अंग्रेज पूरा दुनिया में शासन कर रहा था इंडिया में शासन कर रहा था लेकिन त्रिपुरा के ऊपर कभी अंग्रेज ने शासन नहीं किया हम लोग छोटा सा राज्य था क्योंकि हमारे पास तिपरासा का थानसा था ऐसा सेनापति था जैसा कि कांदाराम हम लोग के पास विश्वास था कि हम लोग छोटा हो सकता है चिकन हो सकता है लेकिन हम लोग एक था 70 साल में क्या बदल गया है कुछ नहीं बदला है आज भी छोटा है तब भी छोटा था सिर्फ एक चीज बदला है थानसा टूट गया थानसा नहीं रहा तो आपका हा भी नहीं रहा तो आज जो मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ यहाँ मैं यूथ लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ बहुत लोग बोलते हैं अरे तिपरा मोथा चिकन पार्टी है हम लोग तिपरा सा आंचलिक लोग सब छोटा है कुछ नहीं होगा आप लोग हिम्मत मत हारो हम लोग पहले भी छोटा था कभी हारा नहीं आज भी छोटा है लेकिन आज भी हम लोग हराने का कैपेबिलिटी रखता है और जितना ये लोग हम लोगों को चिकन बोलेगा हम लोग इतना और बड़ा बनेगा जितना ये हम लोग को नीचे रखेगा हम लोग और उठेगा आज यहां में मैं आया हूं कांदराम सेनापति का वंशो है जो गोष्ठी है आप लोग ने यहां में रूही आई वुड लाइक टू कमेंट यू ऑल्सो संजीत आप भी है यहां में आप लोग ने जैसा अपना परिवार का गोष्ठी को आपने राइटिंग में लिखित रखा है ये बहुत जरूरी है हम लोग का आइडेंटिटी हम लोग का जो चिन्ह है
हम लोग का आइडेंटिटी आज खतरे में क्यों है? क्योंकि हम लोग ने कभी भी अपना गोष्ठी के बारे में बात नहीं किया। आप पूरा त्रिपुरा में देख लो, 185 महाराजा था पूरा त्रिपुरा में, लेकिन आप देखो महाराजा लोग कितना अलग था। 185 महाराजा ने, एक महाराजा ने भी अपना मूर्ति नहीं बनाया, एक महाराजा ने भी अपना मूर्ति नहीं बनाया, एक महाराजा ने भी स्कूल या अस्पताल अपने नाम में नहीं किया। उनके बाद हुआ है, लेकिन अपना नाम में कभी कुछ नहीं किया, अपना परिवार के नाम में कभी कुछ नहीं किया। ये आजकल का नेता लोग है जो हर स्टेडियम को, राजीव गांधी हो या मोदी हो या विवेकानंद हो या बोस हो, उसके नाम में करता है। लेकिन त्रिपुरा का महाराजा लोग ने कभी भी अपना नाम में कोई बिल्डिंग नहीं बनाया, कोई स्टैचू नहीं बनाया। क्योंकि हम लोग का बुकुंग बरा लोग, हम लोग कभी भी दिखाता नहीं, जो भी करता है दिल से करता है। लेकिन ये मेरा दायित्व बनता है कि यहाँ में आके सेनापति गंधराम का जो वंश है, जो गोष्ठी है, उनको सम्मान करें। क्योंकि अगर हम आपको सम्मान नहीं करेगा, अगर आज बुबागरा ही आपको सम्मान नहीं करेगा, तो बुबागरा का भी सम्मान नहीं रहता। ये बात मैं समझता हूं। इसके लिए आज छामनु से आके बहुत थक गया हूं, मैं बहुत थका हूं, कुछ खाया भी नहीं, लेकिन मैंने कमिटमेंट दिया था आपको कि मैं यहां आऊंगा, और मेरा कमिटमेंट है अपना दोहा के साथ, अपना तिपरासा के साथ और आप लोग के साथ। तो जब बुबागरा ने आपको कमिटमेंट दिया है, तो जितना भी कष्ट हो मैं हमेशा आऊंगा, और आप लोग जो हम लोग का जो बुआ है, हम लोग का बुरा है, यहां में दिखाई दे रहा है, आप लोग इतना देर तक हमारा इंतजार किया। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं, प्रद्युत मानिकियों को कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमको सिर्फ आपका प्यार और आपका आशीर्वाद चाहिए, और मैं रेडी हूं। आई एम रेडी, मैं रेडी हूं पूरा इंडिया को दिखाने के लिए कि हम लोग छोटा सा बुकुंग बरा लोग अपना अधिकार के लिए फाइट करने के लिए तैयार है। मैं 100% रेडी हूं आप लोग का आशीर्वाद लेने, और मैं कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करने वाला हूं। यहां में जब मैं अपना ये बच्चे लोगों को देखता हूं, यहां में जब मैं अपना बुमा लोगों को देखता हूं, बुरे लोगों को देखता हूं, जब सेकला को देखता हूं, सिकली को देखता हूं, मुझे एक चीज लगता है, भगवान ने, कायतौर ने, सुब्राय ने, बाबा गरिया ने, गॉड ने सब चीज दिया, सब चीज दिया, लेकिन अभी तक हम लोग को ग्रेटर तिपरलैंड नहीं दिया। जब तक वो नहीं मिलेगा मैं रुकने वाला नहीं हूं आप लोगों के लिए। आप लोग ने सम्मान दिया है, वंस अगेन बेलाई बेलाई नो हम भाई, और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम इतना वेट नहीं करना पड़े आपको, अगले 2-3 महीने के अंदर मैं फिर से आकर यहां में एटलीस्ट 3-4 घंटा आपके संग बैठकर बात करना चाहता हूं, अगर आप लोग निमंत्रण करेगा तो, इफ यू विल इनवाइट मी। अगर निमंत्रण करना है कि नहीं, हाँ तब कुछ खाने के लिए भी दे देना, वगैरह सवेरे से कुछ नहीं खाया, गर्मा बुते एनीवे, फिर से मैं पूरा सेनापति गंधराम का वंशों को, गोष्ठी को, सबको दिल से एक ही बात बोलना चाहता हूं, मैं आपका इज्जत करता हूं, आपका आदर करता हूं, आपको प्यार करता हूं, और आप लोग कभी मत सोचो कि बुबागरा आपको प्यार नहीं करता, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। You love me, I know you love me. You love Chuak also. I know you love me. So, यही बोल के मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वंस अगेन जैसे जगदीश बाबू ने बोला,
सेनापति गांधीराम का परिवार को मैं आयुक लोकथुंग बोलना चाहता हूँ, लॉन्ग लिव बोलना चाहता हूँ। हम लोग का जो बुरा है यहाँ में, जो बुमा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे टू द गॉड दैट आपका अच्छा जिंदगी रहे और आप लोग जहाँ में यहाँ में सब एक है एज वन थनसा थनसा उनकी थनसा रहेगा तो हम लोग रहेगा, थनसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। मुबाकरा को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका थनसा चाहिए। बेलाई बेलाई नो हम बाय, धन्यवाद खुलुंखा और कहाँ।